Hi ladies, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. सारे के सारे लिंक होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नमस्ते, दिस इज दिव्या. और कैसे हैं आप? और हम देख रहे एक बार फिर से द ज्यूसी अपडेट्स ऑफ नन अदर देन बिग बॉस. मुझे पता है काफी लोग मेरी कम्युनिटी में से भी बिग बॉस नहीं देखते मेरी तरह, बट दे आर ऑलवेज हियर जब महेश ड्रॉप्स अ वीडियो ऑफ ज्यूसी अपडेट्स जो हमें देखनी चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से दिखाते हैं वो. वी लव दैट, वी आर हियर जस्ट फॉर इट एंड आई नो यू आर हियर फॉर इट टू. मुझे कॉमेंट सेक्शन में पता चलता है काफी लोग मेरी तरह है. आई लव दैट, ए हाई फाइव फॉर इट. बट येस, आई थिंक ये खबरेश है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इट लुक्स लाइक इट. आई एम लविंग द सूट जो मुझे दिख रहा है अभी, एटलीस्ट थंबनेल पे द ब्लैक सूट लुक्स अमेजिंग ऑन हिम. और जो टाइटल है, वेल आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्योंकि आपको बताया हमारी अपडेट सिर्फ यहीं से आती है, सो हमें पता चलेगा देखने के बाद. बट पता नहीं इस बार कौन सी ऊटपटांग न्यूज आने वाली है, बट आई एम ऑल रेडी फॉर इट एंड आई होप यू आर टू. सो लेट्स गो, लेट्स गेट इट. उम्मीद है मजा आएगा, जाएगा और रहेगा. आई नो लॉट ऑफ यू गाइस हैव प्रॉब्लम विथ माई ईयरफोन्स. ठीक है गाइस, तुम्हें लगता है ऐसा कि 3000 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद तुम्हें कुछ मिलता होगा? नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है. एंड रिगार्डलेस मिलता हो ना मिलता हो, ये जब तक चल रहे हैं तब तक मैं इसको चलाऊंगी. यस, आखिरी सांस से गिन रहा है, जब उसकी सांस बंद हो जाएगी तब हम बदल देंगे इसको. ओके, चिल आउट, डोंट वरी, लेट मी यूज दिस वंस फॉर नाउ. ये एंटैंगल हो गया बाय द वे राइट नाउ, सो या, बट इट विल बी फाइन, डोंट वरी. ही द हेडफोन्स विल बी फाइन, सॉरी ईयरफोन्स विल बी फाइन. अरे यार, फाइनली दे आर अप, सो लेट्स गो, लेट्स गेट इट. एल्विश यादव वर्सेस सलमान खान बिग बॉस ड्रामा. मुझे कुछ हेडलाइंस पता है इसके बारे में, बिकॉज ऑब्वियसली तुम इस जगह पे, ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे सब लोग आजू बाजू बिग बॉस देखते हैं. सो आई डोंट नो अ लिटिल बिट ऑफ इट, लेकिन डिटेल कुछ पता नहीं है. सो या, वी विल प्रोबब्ली फाइंड आउट, है ना. चलो प्ले. एल्विश यादव वर्सेस सलमान खान, किसने सोचा था ये देखने मिलेगा? सलमान खान ने वीकेंड के बारे में एल्विश यादव की क्लास ले ली, मतलब बहुत ज्यादा सुना दिया भाई ने. मतलब ठीक है यार, पूजा भट्ट अकेली नहीं है जिसके पास स्क्रिप्ट है. मतलब एल्विश का सिस्टम हिलाने के लिए बिग बॉस वालों को वीकेंड के बारे में एल्विश का क्लिप दिखाना पड़ा, जिसमें वो बेबिका के बारे में कुछ कुछ बोल रहा था. एक लड़की के बारे में इतना बुरा भरा बोलना, मतलब सलमान भाई को कितने इमोशंस का फेस करना पड़ता है यार. हैप्पी, सैड, एंग्री, नॉस्टैल्जिया. एल्विश के बारे में बहुत सारी चीजें बोली जो कि बहुत बुरी थी, बहुत गंदी थी. एंड वो चीज एल्विश को भी रियलाइज हुई एंड उसने सॉरी बोला बीबिका को. सलमान की डांट एल्विश ने चुपचाप सुन ली, लेकिन ब्रेकडाउन तब हुआ जब एल्विश की मम्मी को लाया गया. भाई ऐसा प्लॉट ट्विस्ट बॉलीवुड में देखने नहीं मिल रहा आजकल. पहले फुल ट्राई किया कि सलमान की डांट से रो ही दे एल्विश, लेकिन सलमान की डांट से नहीं रोया तो और कौन? मम्मी. हेडलाइंस तो ये होगी कि सलमान ने एल्विश को घर वालों ने हम सबको सुलाया क्या, बाकी तो कुछ कर ही नहीं रहे. बट सलमान ने भी काफी रिस्पेक्टफुली समझाया एल्विश को. एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि सलमान बड़े भाई की तरह एल्विश को जेन्युइनली समझा रहे और चाहते हैं कि वो आगे जाए. यार मैं भी इमोशनल हो गया सुन के. बट जब फलक ने फुकरा इंसान को जनानी वगैरह बोला था, तब थोड़ा उनको भी ज्ञान दिया होता तो और मजा आ जाता. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. एल्विश को तो सुनाया, साथ में एल्विश की फैन आर्मी को भी सुनाया कि अगर 500 रुपए मांग लेगा तो कोई सब्सक्राइब नहीं करेंगे. एक फीचर है YouTube पे मेंबरशिप का, right. हमारे स्ट्रीमर्स बहुत यूज करते हैं. अरे भर भर के लेते हैं, 5-5 हजार हमें नहीं, लेकिन सब्सक्राइब करके रखते हैं. ऐसा नहीं है कि 500 रुपए मांगेंगे तो कोई सब्सक्राइब करेंगे, लोग हैं दोस्त, बेकारी नहीं है. 500 रुपए देके अगर टिकट देखने आते हैं तो 500 रुपए देके कंटेंट देखने भी कुछ लोग आ ही जाएंगे. बेसिकली सलमान भाई ने भी पूछ लिया कि यूट्यूबर्स पैसा कमा पा रहे हैं, रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं. बी ऑनेस्ट विद मी, कुछ लोग आएंगे क्या महाराज? ये लोग जियो सिनेमा से पूछो यूट्यूबर्स कितना कमा. ये लोग कमाते हैं. सेना को भी बोले कि क्या पैसे देकर फॉलो करोगे? यार 100-100 ही सही, लेकिन हाँ बोल देना. आई एम श्योर सलमान भाई को भी ज्यादा चीजें पता नहीं होगी, उनको टीम बताती है. बट मैं बता देता हूँ, 500-500 क्या, 1-1 लाख के सुपर चैट आते हैं यूट्यूबर्स को. 1 लाख को बोल रहे सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो. उधर सलमान भाई ने बिग बॉस में एल्विश के लिए सीटीए दे दिया. फिर क्या इंटरनेट पे एल्विश वर्सेस सलमान हो गया. देखो सलमान भाई अच्छे होस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है. दो राय एडिटर और स्क्रिप्टर. अरे यार, कि अगर कंटेस्टेंट समझ ले
तो वो गेम जीत सकता है। अब पूजा को डायरेक्टली अगर बिग बॉस गाइड कर रहा है तो इनको इनडायरेक्टली तो कर ही सकता है। बिग बॉस में फेवरेटिज्म ना हो, ये तो थगेश की वीडियोस में ओहो ना हो, ये हो गया। हर सीजन में सलमान का कोई ना कोई फेवरेट कंटेस्टेंट होता है जिनको वो ज्यादा नहीं बोलते। श्वेता, तनिषा, साजिद, अभी पूजा भट्ट और एल्विश के साथ साथ सलमान भाई ने पूजा और मनीषा को भी टारगेट किया। सलमान भाई ने पुत्रा को बोला कि अगर ऐसी बातें मेरे सामने होती तो क्या मैं रिएक्ट करता? कैसे रिएक्ट करता? कॉज नहीं करते, बिग बॉस में हाथ उठाना लाउड थोड़ी। देखो बट ये सब होने की हिस्ट्री बिग बॉस के घर में रही है। बट आपको पता है मेरी भी एक हिस्ट्री थी दांतों में गैप्स होने की। PPL ये कहां से कहां जा रहे हम लोग? फ्रेंड के रिकमेंडेशन पे मैंने मेक गो टूथ सी के टीथ अलाइन, हमने अभी करवाए सो वी डोंट नीड इट। ओके, कमेंट से परेशान हो गया मैं और क्या आदमी को डायरेक्टली गो भी लगना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, इंसान बिग बॉस की स्क्रिप्ट लिखने से पहले ही स्क्रिप्ट प्रिडिक्ट कर रहा है। उसने एल्विश को पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है। मतलब शर्म की बात है, जिस चीज के लिए बेबी का फेमस है वही काम फुकरा उससे बेटर कर रहा है। प्रिडिक्शन, सलमान भाई ने फुकरा को भी डांट लगाई। अभी पता चलेगा कि फुकरा को एक्चुअली किस चीज की जरूरत है, हेयर कट की। क्यों बाल कटवा इसके? अरे नहीं, अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है हर साल बॉस किसी मकसद से आते हैं, इसलिए आए हैं मनीषा को नीचे गिराने। फिर क्या इंटरनेट पे एक दिन में सलमान खान के 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पावर ऑफ यूट्यूबर, यस, सलमान भाई के 4 मिलियन ये नंबर्स, ये सच नहीं है, ये नहीं है सच, ये सोशल ग्रेड है पिछले एक महीने का सलमान खान का। सलमान खान कभी 66 पहुंचे ही नहीं। सलमान खान हम पे तो आई नो 63 पे ही है। ये देखो रोज के इतने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, सिर्फ एक दिन पे थोड़े से माइनस हुए। वाह, 44 4 मिलियन माइनस, मेरे को तो पहले ही लॉजिकल लग रहा था। देखो सपोर्ट हम भी कर रहे हैं यूट्यूबर्स को, लेकिन ऐसे फेक चीजें मत बनाओ भाई, यूट्यूबर्स का नाम खराब होता है। फिर क्या आशिका जी घर से बाहर निकल गई, ठीक है, लेकिन ये जड घर में है, जड़ से जुड़ गया है घर में, है क्यों ये बंदा? ना कुछ ओपिनियन रखता है, ना किसी से झगड़ा करता है, ना कुछ करता है, ये है क्यों? इससे टीआरपी भी मिल रही है? ये सिर्फ लड़कियों को छेड़ने के लिए घर में, और कुछ नहीं। उसको जो दिखाना था उसने दिखा दिया, पिछवाड़ा, अब अभी निकालो उसको, हो गया उसका। अगर मैं बोलूं इंस्टाग्राम रीलर्स की वजह से ड्रग पार्टी पकड़ी गई तो हमारे अगले सेगमेंट में यूपी है। अच्छा काम किया ना हम लोगों ने तो पहली बार ऑन द स्पॉट वर्क करते देखा है। तो यूपी के लखनऊ में कुछ ड्रग्स बेचने वाले अपने ड्रग्स को बेच के पार्टी कर रहे थे, मस्त पार्टी का एक रील डाल दिया इंस्टाग्राम पे, जिसको देख के उनकी पार्टी उसने क्रैश कर दी। आई टेक इट बैक, रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे नहीं, कार तो लेंगे, कौन करता है, ड्रीम है कार, बोलते हैं कार तो लेंगे, ड्रीम है। इतना जल्दी ड्रीम पूरा हो गया, सीधा पुलिस की कार में गया। लोग बोलते हैं ना पढ़ाई करो आगे काम आएगा, इलीगल काम हो ही पढ़ाई काम आती, ये कोई नहीं बोलता है, पढ़ाई सब जगह काम आती है। लोग भेष बदल बदल के एक्चुअली क्राइम करते हैं। एक क्राइम पेट्रोल वालों ने साला फोन की वजह से इतने लोगों को पकड़ा ना, लोग फोन यूज करने से भी डर रहे, चोर लोग। भाई ने नोटों की गड्डियों का वीडियो डाल दिया, बस गड्डियां ऊंचिया रखिया डालना भूल गया। ऊपर से दीदी देखो क्या बोल रही है, अच्छे से बनाएंगे रील, अभी मत बनाओ, अच्छे से बनाना, अभी नहीं बना दे तो मे बी एडिटिंग करवाना है, हमारा एडिटर है, करवाना है बाद में पकड़े जाते, लेकिन बट जो भी थ्रिलर लोग से तो बेटर है, इनके पास कुछ होता नहीं लेकिन शो ऑफ करते। ये देखो इनके पास था लेकिन शो ऑफ नहीं करना था। इधर मम्मी 2000 रुपए देती है बैंक में डिपॉजिट करने को, 2000 को वॉलेट में डालते हैं, वॉलेट को थैली में डालते हैं, बैग में डालते हैं, बैग को रेनकोट के उसमें डालते हैं, फिर ऐसे पकड़ते आगे। ये नार्कोस के फैन 6 लाख रुपए बिस्तर पे बिठा के लेट गए उस पे। कहते हैं ना मेहनत इतनी खामोशी से करो सक्सेस शोर मचा दे, बहुत शोर मच गया। अगर मैं बोलूं कि एक लड़की पूरे गांव की बिजली से मिलने, तो हमारे अगले सेगमेंट में एक बिहारी सब पे भारी, बिहार बेटिया के एक गांव में रोज अपने लवर से मिलने के लिए गांव की बिजली काट देती थी। ये भी ठीक है, अपने गुलू गुलू के चक्कर में पूरे गांव का गुलू गुलू कर दिया। हाँ, बाप रे, प्यास बुझती रही, इसके लिए कितने लोगों को रात को भूखा रखा है। रिंकी आ गया उधर खाने लगते, लाइट चली जाती, लोग साला पॉलिटिशियन को गाली दे रहे कि 24 घंटा बोल के साला 2 घंटा लाइट मिलती है, उनको क्या बता। बेसिकली गांव वालों को इनके अफेयर के बारे में ना मालूम पड़े इसलिए लाइट काट रहे थे। पक्का इस गांव में कोई वेंटिलेटर वाला हॉस्पिटल नहीं है, वरना कोई तब मालूम पड़ता गांव वालों को। इतना भी अंधेरे में मिलने की आदत मत डालो कि उजाले में जब एक दूसरे का चेहरा देखो तो डिसअपॉइंट हो जाओ। अपेरेंटली लाइट जाना इतना कॉमन हो गया था कि उस टाइम पे चोर भी चोरी करने निकल रहे थे, और जब गांव में चोरी बढ़ने लगी तब इन्वेस्टिगेशन हुई और तब मालूम पड़ा साले ये प्यार कर। फिर जब मालूम पड़ा गांव वालों ने क्या किया, दोनों की शादी करा दी। तो अभी आपको पता है घर वाले अगर लवर से शादी नहीं करा रहे तो आपको क्या करना है? अगर मैं आपको बोलूं कि कंफर्म हो गया है कि एलियंस रियल है तो अच्छा है। अगले सेगमेंट में इंटरनेशनल छपरी, तो यूएस के एक एक्स एयरफोर्स इंटेलिजेंस ऑफिसर ने अंडर ओथ बोला है नॉट रियली यूएस गवर्नमेंट के पास दूसरी दुनिया के यूएफओज और एलियंस है।
उनके पास है तो बेसिकली मान लो आप 13 साल के बच्चे हो। लगता है मैन इन ब्लैक वाले ही ऑफिसर पे याददाश्त भुलाने वाली मशीन डालना भूल गए। तो सारा घूम फिर के एलियंस यूएफओ अमेरिका में ही आने, कभी यहाँ कभी तो पधारो हमारे देश में। पधारो क्यों, क्या क्या है ये? सच में यूएफओ एलियन है तो जरा दिखाओ, फोटो वोटो रिलीज करो। ये बेचारे वीएफएक्स वाले जमाने से वो फ्लाइंग सॉसरी डाल रहे हैं, वो लोग में भी अपग्रेड आया रहेगा ना, दिखाओ। तो अमेरिका भी मस्त है साला, क्रिस्टोफर नोलन को नए नए मूवीज के आइडियाज देते रहो। दूसरे प्लेनेट पे लाइफ है, मेरे को इस प्लेनेट के आदमी लोग पे थोड़ा भरोसा कम है। बात ये है भाई लोग, प्लेनेट पे भी टिकटॉक ऐप हुआ तो वो थोड़ा ऐसा डर लगता है ना। देखो अमेरिका से मेरा रिक्वेस्ट है, उड़ता तीर। देखो बोलते रहा पुलिस वाले ने पैसा खाया, लिटरली पुलिस वाले ने पैसा खाया। मैं बोलूं तो मध्य प्रदेश में एक गवर्नमेंट ऑफिसर 5,000 रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, तो उसने खा लिया दोस्त। रिश्वत खाना की वीडियो में, रिश्वत खाना नहीं होता है लिटरली, लिटरली नहीं नहीं अलग है। अरे वो अलग था, पुलिस वाला खड़ा है उसके सामने भी चबा रहा है। भाई खा तो लेकिन कैसे, हाँ खा तो ऐसे रहा है, वो पैसा डिपॉजिट करने का मशीन रहता है ना बैंक में। भाई ये नोट जो तू खा रहा है ठीक है, तू पैसा खा रहा है अलग, लेकिन ये नोट कितनों के हाथों में घूम घूम कर आई होगी, कितनों के हाथों का बैक्टीरिया होगा जो तू खा रहा है। बैक्टीरिया छोड़ो, तुम खा सकते हो क्या नोट? शौचालय में नहीं आया है भाई, कोई दूसरा ऑफिसर आता तू ये नोट उसको दे देता, रिश्वत पास ऑन हो जाती। लेकिन फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए, सारी नोट इसके मुंह से वापस बाहर निकल। अब इसको कौन से बैंक में डिपॉजिट करोगे? डरो डरो इतना कि अगर आप अपनी बीवी से डरो तो गायब हो जाओ घर से। ये हमारे अगले सेगमेंट में चुम्मीश्वरी साउथ केरला पथानमिता से 1.5 साल पहले नो बेटर न्यूज देन योर सीरियसली। जब पुलिस ने उसको पूछा कि भाई कहाँ चले गए थे, पुलिस को बोला क्या भाई मैं बीवी से डरता हूँ इसलिए। डर तो भाई को अब लग रहा होगा, 1.5 साल पहले जो बीवी ने धनिया लेने भेजा था अभी तक आया नहीं घर पे। बीवी के डर से तो पति जल्दी घर पे आते हैं, इमेजिन आया ही नहीं, कितनी बड़ी स्पीच रेडी की होगी बीवी ने। और बीवी से कम नहीं है भाई, लड़के के बाप ने जब कंप्लेंट डायरी की वो गायब है लड़का भाई, तो बीवी अफसाना से पूछताछ की। अफसाना ने बोला कि ये तो मर गया और इसको गाड़ दिया, ये कर लो पहले क्राइम पेट्रोल वालों के और कुछ बचा नहीं है ना प्लॉट मूवी मटेरियल। बाप रे, फिर क्या पुलिस ढूंढ रही थी इधर उधर खोद के बॉडी निकालने को, केएसपी को जेसीबी बना दिया। बेसिकली उसका कहना है कि उसकी बीवी कुछ लोगों को फोन करती थी और वो लोग आके इसको बहुत मारते थे। भाई भाई अर्बन क्लाइंट में ये सर्विस भी अवेलेबल है क्या? देखो डोमेस्टिक वायलेंस गलत है चाहे मर्दों के साथ हो या औरतों के साथ, अर्बन क्लाइंट इज नॉट गुड, आउटसोर्स करना और भी गलत है। बट क्या अभी नौशाद वापस मिल गया है, अफसाना को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अफसाना बना के भूल ना जाए, सीमा हैदर तो आपको पता है ट्रेंड में है, सीमा हैदर और सचिन भाई। सचिन क्या है, सचिन आई डोंट नो हु दे आर। सचिन मैं बोलूं कि चाइनीज औरत पाकिस्तान आई ऐसे ही ऑनलाइन लवर से शादी करने, तो चाइना की एक औरत गाओ फेंग इंटरनेट पर मिले, क्या हो रहा है, पाकिस्तानी प्यार से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई। स्नैपचैट से मारने का बहुत मन कर रहा है, डोंट टेल मी भाई। फेसबुक इंस्टाग्राम सब तो बैन है चाइना में, कोविड की वेबसाइट पे प्यार हुआ क्या तुम लोग को? तो लड़की 21 साल की और अपना भाई 18 साल का है, लड़का देखो चाइनीज पटा रहा है और तुम साला चाइनीज खाने से बात नहीं आ रहे हो। मैं उधर उसके घर वालों का डर होगा इंटरकास्ट मैरिज ना करे, इंटरनेशनल मैरिज हो रहा है इधर। मेरे को अगर कोई आके बोले कि चाइना से कोई मिलने आया तो मैं तो उधर ही डर जाऊं भाई, चाइना नहीं नहीं नो सॉरी। अगर किसी को शरीर से ज्यादा नुकसान हुआ है तो ये आदमी के आसपास रहने वाले जानवरों को हुआ है, सब कांप रहे भाई जानवर। ओके ओके भाई, प्यार में ब्राजील में एक औरत को प्यार हो गया उससे जिसने उसका फोन चुराया है। दिलबरा को अली से प्यार हो गया, रियल ड्रामा माना जा रहा है। लड़कियां कलर ब्लाइंड होती है, रेड कलर रेड फ्लैग उन्हें दिखाई नहीं देते, खुद का ही फोन चुराने वाले से शादी। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि चोर बनने में बहुत स्कोप है, बेसिकली चोर फोन चोरी किया फिर उसने फोन देखा तो उसको क्या फोटोज वीडियोज देख के लड़की से प्यार हो गया और फोन वापस देने आया। वरुण पुथी से आओ, फोन का वॉलपेपर लड़की का फोटो रखूंगा, साला कुर्ला स्टेशन से जब भी चोरी होगा ना देखे चले आएगा अपने आप। कुर्ला में अगर तुम लोग जाओगे सर हमारा फोन चोरी हो गया, वो आपको सामने वाली दुकान बताएंगे, वो देखो दुकान है उधर बिक रहा होगा। आई थिंक दैट्स गुड गाइस, वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल पे न्यू सीरियसली सब्सक्राइब, और आपके पास भी ऐसी कोई दैट्स स्केरी पे मेरे को भेज दो, एंड दांतों के गैप क्लोज करवाने या दांत सिंस आई डोंट नीड दिस। दुनिया की सबसे मोस्ट ऊटपटांग सी न्यूज़ हमें यही मिलती है, वी लव द सोर्स सो मच, एब्सोल्युटली चुम्मेश्वरी सोर्स है और हम इसी से ज्यादा खुश हैं।
ओके आई एम नॉट वेयरिंग अ माइक बाय द वे, क्योंकि इससे पहले मैंने एक और वीडियो किया, ऑफकोर्स ये नहीं, तो मैंने वो वीडियो और भी देख लिया तो मैं फिर से नहीं करने वाली. देयर इज नो मीनिंग ऑफ रिएक्टिंग टू इट अगेन. रिएक्टिंग क्या हो रहा है, रिएक्टिंग टू इट अगेन. बट मैंने माइक सब लगा के किया, सब चेक किया, लेकिन उसमें आवाज ही नहीं आई. आई डोंट नो मेरे फोन के साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, बट दैट हैपेंड. फिंगर्स क्रॉस कि इस बार ऐसा ना हो, 15 मिनट वीडियो करने के बाद चले हे कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, सिर्फ ऐसे ऐसे लिपसिंग कर लो खुद अपने आप. तो आई होप दैट डजंट हैपन, फिंगर्स क्रॉस, टच वुड, जो भी है. बट आई डोंट नो इज दैट द रियली अ थिंग इन कुर्ला, मे बी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोकल ट्रेन के स्टेशन पे होते हैं, इसीलिए मे बी, मुझे नहीं पता. मतलब मैं गई हूँ ऑब्वियसली मुंबई, और जितनी बार मुंबई गई हूँ हम ऑलवेज हमने लोकल ट्रेन में ही ट्रैवल किया है, बट आई हैव नेवर रियली गॉट ऑन और ऑफ कुर्ला स्टेशन. सो मुझे उस स्टेशन के बारे में पर्टिकुलरली अगर ये सच है या फिर ये एग्जैजरेट कर रहे हैं वो नहीं पता है. आई थिंक मैं तन्मय के वीडियो में देखा था कोई दिल्ली का मेट्रो स्टेशन था जब वो ऐसा कुछ बात कर रहे थे, कभी ब्लॉग नहीं करना चाहिए वरना कोई लेके चला जाएगा फोन तुम्हारा. आई मीन इज अबाउट द क्राउडेड प्लेसेस. मुझे नहीं पता कोई यहाँ पे रहता है, कोई एक्सपीरियंसड है उसके बारे में. आई होप यू आर नॉट एक्सपीरियंसड, बट कुछ पता है इसके बारे में, तो लेट मी नो. आई एम नॉट रियली श्योर. बट ओ द एलियन थिंग, आई थिंक देयर वाज 6 महीने 7 महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, लीक किया गया था, या फिर जिन्होंने वो वीडियो लिया था उन्होंने अपलोड किया था, मुझे याद नहीं है. मेरे ख्याल से वो रशिया से था और कोई दो बंदे थे, वो एकदम सब एवरीथिंग वाज स्नो कवर्ड, और वहां पे कोई गुफा के आजू बाजू कोई ऐसा फिजिकली दिख रहा था, इट डिड रिजेंबल अ बिट ऑफ एलियन काइंड ऑफ थिंग जो हम वीडियोज में और फोटोज में देखते हैं ऐसे. आई रिमेम्बर रीडिंग एन आर्टिकल अबाउट इट, या फिर मैंने वीडियो देखा था, मुझे याद नहीं अभी, काफी टाइम हो गया, 6 महीना हुआ, 1 महीना, 1 साल हुआ, मुझे नहीं पता है, 1 महीना, 6 महीने या फिर उसके अराउंड टाइम हुआ है. आई थिंक दैट वाज दिस वीडियो दैट गॉट वायरल, और वो दे वर क्लेमिंग दैट इट्स ए डेड एलियन और समथिंग, और वो रशिया में था. नॉट श्योर, बट आई लव दिस काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी थियरीज. मतलब ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहे तो हम लाइव रख सकते हैं, हम ऐसे वीडियोज पे रैक कर सकते हैं और डिबेट कर सकते हैं, मतलब hours we can talk about it. You know I love conspiracy theories or anything surrounding this kind of things too. हमें मजा आता है. We might do that more. अगर आपको भी अच्छा लगता है, वरना मैं अकेले तो देखती हूँ. When I have to see something, I want to watch something. Yeah, just my opinion. But I didn't read or see that. मुझे नहीं पता. It was true fact. उसके बाद debunk हो गया होगा obviously. मुझे नहीं पता है क्या हुआ उसके बाद. But I do remember seeing something like that, but it was Russia's video. तो वो मुझे पक्का पता है कि वो रशिया का वीडियो था. Yeah, whatever that is. But oh, दे प्यार वाली कहानियाँ, बाप रे. मतलब हमें लगता है कि सिर्फ मूवीज में होता है, सब रियल लाइफ में भी होता है. बट दे से आर्ट इमिटेट्स लाइफ, लाइफ इमिटेट्स आर्ट. सो या दैट्स व्हाट इट इज. और बिग बॉस न्यूज, ओह आई गॉट अ लॉट ऑफ अपडेट्स. काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने एकदम शॉर्ट में कंप्लीट कर दी. आई हैव नो आइडिया एज टू व्हाट एलविस सेड टू बेबिका, बट लाइक दे अग्रीड कि वो बुरी बात थी और उन्होंने नहीं बोलनी चाहिए थी, और उन्होंने अपोलोजाइज किया, विच इज अ गुड थिंग. या सो बेसिकली वंस यू अपोलोजाइज, फिर उसके बाद तुम वही चीज दोहराओगे तो उसका मतलब नहीं है अपोलोजी का, राइट? बट तुम अगर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो अपनी गलती की, विच इज समथिंग दैट वी शुड बी डूइंग, अगर हम रियलाइज करते हैं कि हमारी गलती है, हमने गलत किया है, एंड वी अपोलोजाइज एंड नॉट डू दैट अगेन, दैट्स वॉट मैटर्स. एंड आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट. वी हम सब इंसान हैं, ओके, वी ऑल मेक मिस्टेक्स एंड दैट्स ओके. किसी को अपने 15 साल पहले पुरानी गलती को लेके उसको गन पॉइंट पर रखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दैट पर्सन माइट हैव बीन द होल डिफरेंट पर्सन उस टाइम और अभी. इट हैपन्स विद मी. मैंने मुझे पता है कल या 2 दिन पहले कुछ ऐसा किया होगा जब मुझे रियलाइज होता है कि यार ये ठीक नहीं था. सो वेन एवर आई कम ऑन विद दिस वीडियो या फिर कहीं पे भी, इन वॉट हैपन्स अराउंड मी, आई अपोलोजाइज एंड देन नॉट डू दैट अगेन. यू आर अ बेटर पर्सन एवरी डे. यू शुड ट्राई टू बी एटलीस्ट. वी शुड ट्राई एटलीस्ट, राइट? सो दैट्स परफेक्टली फाइन. मुझे नहीं पता क्या हुआ था कॉन्वर्जेशन सिंस वी डोंट वॉच, बट आई एम ग्लैड दैट ही अपोलोजाइज एंड डजेंट डू दैट अगेन, होपिंग फॉर इट. और बहुत सही है जो उन्होंने, लाइक वी ऑल्सो डिस्कस दिस अबाउट लास्ट टाइम, आई थिंक अविनाश ने भी अभिषेक को कुछ ऐसी चीजें बोली थी विच इज रियली हार्मफुल टू द कम्युनिटी और द पर्सन इट सेल्फ, इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. तो उनको उसके लिए भी कुछ बोलना चाहिए था एंड आई एग्री टू इट कम्प्लीटली. बट रिगार्डलेस जो भी है, मजा आया. Loved the juicy updates, whatever we got. I hope you did too. And yeah, I mean, it was fun.
टिट्टू ऐसा तरह गया, मुझे खाने जाना है, बाय, आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बेबीज, लव यू.